अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माशाल्लाह से मुर्गी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मुर्गी पहले बिल्कुल पैरों से बैठ गई थी, तो अब आप चेक करें, माशाल्लाह से मुर्गी भरपूर तरीके के साथ रिकवर हो रही है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है, जब बीमारी अटैक करती है तो उससे बर्ड जो है वो काफ़ी वीक हो जाता है। तो अभी आप चेक करें, मुर्गी जो है वो खाने पीने की भी कोशिश कर रही है। तो जेलम बर्ड्स की जानिब से आपके लिए परिंदों के बारे में मालूमात दी जाती हैं। तो अभी मैंने इसको रोटी के बोरे डाले हैं, तो ये देखें आपके सामने कैसे ये मुसलसल अच्छे तरीके के साथ खा रही है। तो जैसा कि आपको पता था, ये मुर्गी बिल्कुल बैठ चुकी थी, काफ़ी बीमार हो गई थी सिर्फ एक दिन के अंदर। तो मैंने तीन दफ़ा इसको, जो दवाई मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताई है, वो दिन में तीन मरतबा मैंने इसको दी है। तो ये अभी आपके सामने इसकी सिचुएशन है, लेकिन दवाई अभी इसकी रोकनी नहीं है, इसको आपने देते रहना। तो इंशाल्लाह ताला जो भी आपका परिंदा हो, बीमार हो जाए, जैसा कि ये बीमार थी, मैं इसको दवाई देता रहा हूँ, तो माशाल्लाह अब ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके के साथ आपका परिंदा बीमार हो जाए, तो तीन से चार दिन मुसलसल आपने उसको दवाई देते रहना है, फिर जाके वो परिंदा आपका रिकवर होगा। तो कल जो वीडियो मैंने बनाई थी, आपने अगर वो देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि इस मुर्गी की कंडीशन जो है वो कैसी थी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस मैं बनाता रहूं और आपको मालूमात मिलती रहें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो इसको कल जो बीमारी थी वो मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ बताया था। इसको क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, उसकी वजह से परिंदे जो हैं वो बीमार होते रहते हैं। तो परिंदा चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, अगर आपने ख़रीद लिया है, घर में रखा हुआ है, तो प्लीज़ उसकी आप केयर ज़रूर करें। तो मेरा चैनल इसी के मुतल्लिक है, तो मज़ीद भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो और परिंदों के ऊपर भी वीडियोस बनेंगी, तो आप भाइयों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी आप देखें, माशाल्लाह मुर्गी इतनी रिकवर हुई है कि अब वो खेल रही है, आपके सामने है, आप चेक करें। परिंदा खुश होना तो उसी से ही पता चल जाता है कि परिंदा ठीक हो रहा है। तो दवाई का ही असर है कि इतना ये मुर्गी अब बेहतरीन तरीके के साथ खुश है, वरना अगर इसको दवाई ना दी जाए तो इसके मरने के भी चांस होते हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।